हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट गाइस। रिमेंबर, आपको कभी बाहर जाना है किसी स्पेशल ओकेजन के लिए, मेकअप करना है डेट नाइट के लिए, या फिर आपको इंटरव्यू देने जाना है एंड सडनली आपके फेस पे एक पिंपल्स आ जाता है, होता है ना ऐसा? मेरे साथ तो ऐसा हमेशा ही होता है। ऐसा लगता है जैसे पिंपल्स को पता चल गया कि इसे बाहर जाना है तो हम भी साथ में चल लेते हैं। बट जोक्स अपार्ट, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है मुझे उस टाइम पे, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मेकअप भी नहीं कर पाती एंड कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा लो लगता है मुझे उस टाइम पे। तो आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सो अगर आपको मेरी ही तरह गलत टाइम पे पिंपल्स आते हैं एंड अगर आप चाहते हो उसे जल्दी से जल्दी ठीक करना, ये वीडियो आपके लिए है। सो सीधा चलते वीडियो की तरफ, वीडियो को पूरा देखना, अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। सो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ प्री वेदा के स्पॉट क्लियरिंग पैच की। इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। इसकी प्राइस है ₹399 एंड ये मेड इन कोरिया प्रोडक्ट है एंड इसमें 57 पैचेस है जो कि डिफरेंट शेप्स एंड साइज के हैं, जो कि आप अपने पिंपल्स के ऊपर लगा सकते हो एंड बहुत ही जल्दी मिनिमम 5 से 6 घंटे में आप देखोगे कि आपका पिंपल्स जो है वो कम हो गया है। इसे कैसे यूज करना है, इसके क्या फायदे हैं, सब कुछ मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, इसकी पैकेजिंग, ये इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है, इट्स लाइक यू नो पेपर। आप कहीं भी इसे आराम से कैरी कर सकते हो, अपने पर्स में, अपने बुक के अंदर, कहीं भी आप इसे पैक कर सकते हो एंड बहुत ज्यादा जगह नहीं लेता है आपका। एंड मैं तो हमेशा इसे अपने पास रखती हूँ क्योंकि मुझे हेयर एंड देयर कभी ना कभी छोटे मोटे पिंपल्स निकल ही जाते हैं एंड इसे लगाने से बहुत ही आसानी से मेरे पिंपल्स बहुत ही कम टाइम में ठीक हो जाते हैं। सो गाइस, अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ। सो आप देख सकते हो इस तरह के जिप बैग में आता है ये एंड इसे यूज करने के बाद आप आराम से उसी में वापस रख सकते हो। सो ये है 57 पैचेस, जैसा कि आप देख सकते हो कि अलग अलग साइज के हैं। इजंट इट अमेजिंग? अगर आपको छोटा सा पिंपल या बम्प आया है तो आप छोटा वाला ये पैच यूज करो, अगर कोई बड़ा पिंपल है तो आप ये वाला पैच यूज कर सकते हो। एंड गाइस, सबसे अच्छी बात पता है इसकी क्या है, ये है ट्रांसपेरेंट, तो अगर आप अपने स्किन में इसे लगाओगे भी ना तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है। सो गाइस, अगर आपको पिंपल्स आते हैं तो आपको पता होगा कि आपको पिंपल्स को नहीं छूना चाहिए क्योंकि अगर आप उससे बहुत ज्यादा टच करोगे तो बैक्टीरिया के फैलने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि उसमें जो फ्लूइड है वो फैल जाता है। सो गाइस, अगर आप इन पैचेस को अपने पिंपल्स के ऊपर लगाते हो तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो अगल बगल बढ़ने से रुक जाएगा एंड आपके पिंपल्स को ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर देता है, उसमें किसी भी तरह की डर्ट या इम्प्योरिटीज नहीं जाती है। दूसरी चीज ये कि इसे लगाने के बाद आपका पिंपल्स अंदर ही अंदर हील होने लगता है। कैसे? इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये इस तरीके के जेल से बना हुआ है कि जब आप अपने पिंपल्स के ऊपर इसे लगाते हो तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपके पिंपल्स को प्रोटेक्ट कर देता है, शील्ड कर देता है एंड हाइड्रेटेड रखता है आपके पिंपल्स को। गाइस, आपका जो पिंपल्स है या फिर जो एक्ने स्पॉट है वो जितना ज्यादा ड्राई रहेगा उतनी देर से आपका पिंपल्स ठीक होगा एंड उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके वहां पे दाग छोड़ जाने के। एंड बहुत बार पिंपल्स के अंदर पस रहता है, मुझे जनरली जब भी पिंपल्स आता है तो वो पस वाला पिंपल्स आता है एंड बहुत ज्यादा दुखता है वो, मुझे लगता है कि जल्दी से उसे निकाल दूं, बट उसे निकालने से क्या होता है कि वहां पे दाग रह जाता है। इन पैचेस को लगाने के बाद क्या होता है ना कि अपने आप ही वो पस धीरे धीरे निकल जाता है, जबरदस्ती निकालने की उसे जरूरत नहीं पड़ती है एंड उससे दाग नहीं रहता है मेरे फेस में। और एक इसकी अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो जब आप डे टाइम में भी लगाओगे ना तो पता नहीं चलता कि आपने कोई स्टिकर लगाया हुआ है। आप चाहें तो इसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकते हो, ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है आपके स्किन के साथ, एट द सेम टाइम आपका पिंपल्स भी अंदर ही अंदर हील होने लगता है। नॉट ओनली दिस गाइज, ये वाटर प्रूफ भी है, तो अगर आपके फेस पे किसी तरह का ऑयल आ जाता है या पानी लग जाता है तो भी ये नहीं निकलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसे हम कब यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसे दिन में भी यूज कर सकते हो या फिर आप इसे रात में भी यूज कर सकते हो। दिन में अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप इसे आराम से लगा के जा सकते हो, बिल्कुल पता नहीं चलता फेस पे, ऊपर पे आप मेकअप भी लगा सकते हो इसके। एंड अगर आप रात में लगाते हो तो इवन बेटर, क्योंकि मैं जनरली रिकमेंड करूंगी आपको कि आप इसे रात में लगाया करो क्योंकि रात में आपकी जो स्किन सेल्स है वो हील करती है एंड तो इसको एक अच्छा खासा लंबा टाइम मिल जाता है हील करने का। तो मेरे हिसाब से आपको इसे रात में लगाना चाहिए, बट अगर आप चाहे तो आप इसे डे टाइम में भी आराम से यूज कर सकते हो। सो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप प्रीवेदा के इन पैचेस को कैसे यूज कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 है अपने फेस को क्लीन करना। पानी से अच्छी तरीके से अपने फेस को क्लीन कर ले ताकि किसी भी तरह की डर्ट, इम्प्योरिटीज, मेकअप आपके फेस पे नहीं रहना चाहिए। जितना ज्यादा क्लीन रहेगा आपका फेस उतना जल्दी ये पैचेस अपना काम करते हैं एंड उसके बाद अपने फेस को आप पैट ड्राई कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे कि इन पैचेस में से जो भी आपको शेप लगता है कि आपके पिंपल्स के हिसाब से सही रहेगा
वो आप निकाल के अपने पिंपल्स के ऊपर उसे स्टिक कर लो। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें इतने सारे शेप्स है, तो अगर आपको छोटा पिंपल्स है तो आप छोटा वाला इसमें से पैच निकालो, एंड अगर स्पॉट आपका थोड़ा बड़ा है तो आप बड़ा वाला निकालो। एंड उसके बाद 6 घंटे तक आप इसे अपने फेस पे यूं ही छोड़ सकते हो। 6 घंटे के बाद जब आप इन पैचेस को निकालोगे तो आप देखोगे कि आपका जो पिंपल स्पॉट है वो बहुत ही रिड्यूस हो गया है, मुरझा गया है, एंड धीरे धीरे वो चला जाएगा। ये इतना ज्यादा कन्वीनियंट है ऑफ कोर्स कि आप इसे अपने बैग में रख सकते हो रीअप्लाई करने के लिए। एंड 6 घंटे के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप उसे निकालोगे एंड अगर आपको लगता है कि आपको फिर से इसे लगाना चाहिए तो आप फिर से इसे रीअप्लाई कर सकते हो। इसे लगाने के बाद किसी भी तरह की एलर्जी आपको नहीं होती है, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। सो गाइस, अगर आप प्रीवेदा स्पॉट क्लियरिंग पैचेस को परचेज करना चाहते हो तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे जो लिंक है उसे आप क्लिक करके परचेज कर सकते हो। एंड आपके लिए मैंने डिस्काउंट का भी जुगाड़ किया है, तो अगर आप Shruti20 जो मेरा कोड है अगर आप वो यूज करते हो तो आपको 20% तक डिस्काउंट भी मिल जाएगा अपने परचेज पर। एंड आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ 339 रुपीज। ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 2 वीक्स के लिए, तो जल्दी करना, तो जल्दी करें उसे जाके परचेज करें ताकि आप डिस्काउंट अवेल कर पाओ। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, दिस वाज माय ऑनेस्ट रिव्यू ऑन प्रीवेदा स्पॉट क्लियरिंग पैचेस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके किसी भी तरह के क्वेश्चंस, डाउट एंड सजेशन आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो पर्सनली, आई वुड लव टू रिप्लाई योर मैसेजेस। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।